हेलो दोस्तों, वीडियो के टाइटल थंबनेल लेके समझ जो वीडियो है किस टॉपिक पे। आज जो वीडियो है ये जो छत के पनाले हम लगाते हैं, इस टॉपिक पे वीडियो आप देखते रहे, बड़े काम के वीडियो है, इसमें आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। सही है। हेलो दोस्तों, एक और बात सुनते जाए कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले आपको लाइक कर देना है, इसके बाद सब्सक्राइब, उसके साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। से ये होगा कि जब भी हम वीडियो बनाएंगे प्लम्बर के, इलेक्ट्रिशियन के, मिस्त्री के, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे चलो दोस्तों, अगर आपको ये जो वीडियो की तस्वीर ना ज़्यादा का ये वीडियो अगर देखना है तो आप टाइटल डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। वॉशरूम के डिज़ाइन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलो अभी अपने वीडियो में टॉपिक में बात करते हैं। जैसे कि आप मैंने आपको बोला पनाले के बारे में कि ये जो पनाला किस तरह लगाते, आप सोचेंगे यार ये भी कोई बताने की चीज़ है, वाकई में बताने की चीज़ है। ये हम आमतौर पर ऐसे लगवा देते, लगा देते, फिर सैन के पानी जाते नहीं है। तो यहाँ देखिए यार, फर्श से किस टाइप से लगाना है, फर्श से पहले नीचे रखना है, जैसे कि बराबर इस टॉपिक से लगाना है कि माल जब आके इसके किनारे पे रुके। देखिए इशारा देने दिखाई दे रहा कि पानी एकदम से चला जाए पे, सही ना। अभी मैं इसका अगर सबसे बेहतरीन तरीका ये कि जब आप फर्श डालें इसका लेबल ना यहाँ से लो, वो भी दिखा रहा हूँ आपको मैं। फिर तो अब ये देख ले जगह मैंने कैसे बनाया, किस तरह बनाया। ओके, ये जगह पाइप आपने कम से कम 3 इंच का लेना है। 3 इंच की पाइप में कचरा कभी नहीं रुकता है, क्योंकि अक्सर पानी जब रुक जाता है तभी छत से पानी कमरे में दाखिल होता है, जब पानी हमारे रुक जाता है, सही ना। और बाहर से पाइप भी कम से कम 2 फीट रखे, वो अच्छा है बहुत। ये देखिए कितना मैंने रखा है, सही है। और ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप समझें। ठीक है, जो वो अभी ये जो मैं लेबल निकाल रहा हूँ ना, ये मैं एकदम पाइप के पास से निकाल ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, मीन्स वैसे ले रहा हूँ कि जब डाल माल आ जाए ना सारे इस जो नाली इस पे आ जाए। ये जो मैं अभी लेबल निकाल रहा हूँ ना, ये पाइप से निकाल रहा हूँ, ये सही ये जो मेरे हाथ पे जो लेबल है मैं दिखाता हूँ आपको अभी। ये देखें, और ये देखें पाइप के साथ लेबल मैंने निकाला है। तो ये लेबल निकालने का मकसद ये कि अगर आप खुद कर रहे हो तो ऐसे करना, या करवा रहे हो तो फिर मिस्त्री से करवाना। अब देखो ये तैयार हो चुका है, किस तरह खूबसूरत लग रहा है आपके सामने। ये तैयार हो चुका है, कहाँ से किस तरह आया, क्योंकि जैसे हम लोग फर्श में पानी डालेंगे या बारिश होगी सारे बाहर जाएंगे। पाइप भी 3 इंच का मोटा हमने डाला हुआ है आपके सामने, और एकदम बेपी तरीके से बना है। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दे, क्योंकि हमारे इस चैनल में ऐसे टेक्निकल काम प्लम्बर के इलेक्ट्रिशियन के होते रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।